नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज ही न्यूरोथेरेपी की विशेषता है, और खास तौर से पेट का डायग्नोज, स्टमक डायग्नोज। न्यूरोथेरेपी में हम इसे एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में स्टमक को डायग्नोज करना ही सबसे अच्छी बात है। किसी भी थेरेपी में जब हम बात करते हैं पेट को लेकर, तो पेट को कोई भी तवज्जो नहीं देता है, और खास तौर से आज की मेडिकल साइंस तवज्जो नहीं देती, वो बीमारी पर काम करती है। और न्यूरोथेरेपी कहती है कि आपको बीमारी तब आएगी जब आपका पेट खराब होगा। न्यूरोथेरेपी में ये माना जाता है कि आपको कोई भी बीमारी है वो तब आएगी जब पेट के किसी न किसी हिस्से में दर्द होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर पेट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा गया है, उसको एक ऑर्गन का मालिक बनाया है, यानी कि एक ऑर्गन पर्टिकुलर उस हिस्से में रहेगा, और उस ऑर्गन के नाम पर उस एरिया को हम पहचानते हैं, और उस एरिया में अगर दर्द है तो वो पॉइंट हम एस्टिमेट कर वहां पर ब्लड सप्लाई भेजते हैं। बहुत साइंटिफिक है, यानी कि पेट के किसी भी हिस्से में दर्द है तो पर्टिकुलर हमने उस हिस्से को एक ऑर्गन का नाम दे दिया, जो उस ऑर्गन के, यानी कि उस हिस्से के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होगा, और उस ऑर्गन को हम एस्टिमेट करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे आपके उस हिस्से में ब्लड सप्लाई जाएगी। तो हम पेट के पूरे पार्ट को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसमें एक नाम देते हैं किसी ना किसी ऑर्गन के रूप में, न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक चार्ट के रूप में। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, यही सिखाऊंगा, आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम आपको हर बार कुछ नया सिखाते हैं। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल दीजिए, आपको हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी पेट को डायग्नोस करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रिब्स का हिस्सा है, ये हमारा रिब्स का हिस्सा है, यहाँ आकर हमारी लास्ट बोन रिब्स की स्टर्नम बोन खत्म होती है। ये हमारा पेल्विक का बोन है, ये हमारी पेल्विक की बोन है, यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये हमारा, और यहाँ से ऊपर लाइन खींच दूँ तो ये एक बॉक्स बन गया। ये जो बॉक्स है, मेरी एक जो दीवार मैंने खींची है, ये दीवार हमारी, ये जो दीवार है ये हमारे पेट के हिस्सा है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचता हूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर बॉक्स बने हैं, एक ये नाभि है हमारी, ये नाभि का हिस्सा है, दो तीन, और यहाँ से मैं पूरा बॉक्स खींचता इस तरीके से, तो चार पाँच छ, और ये यहाँ से सात आठ नौ, तो ये नौ हिस्सों में आपका पूरा पेट डिवाइड हो गया है, पूरा पेट डिवाइड हो गया है। अब इसमें मैं एक एक ऑर्गन का नाम आपको बता दूंगा, उन ऑर्गन्स को मैंने बहुत बार यूट्यूब पर बताया है कि हम कैसे इनको स्टिमुलेट करेंगे। अगर आप वो पॉइंट दे रहे हैं, उस ऑर्गन का पॉइंट दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आप इस हिस्से में ब्लड सप्लाई भेज रहे हैं। तो ये हमारा, देखिए ये हमारा जो हिस्सा है, ये हमारा है पैंक्रियाज का हिस्सा, इसे पी बोलते हैं, ये हमारा स्टमक का हिस्सा है, ये हमारे इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ये हमारी इंटेस्टाइन का हिस्सा है। और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारा जो है नाभि तक का हिस्सा, ये डब्ल्यू डी है, यानी कि यूट्रस का हिस्सा है, यूट्रस को हम डब्ल्यू डी बोलते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, ये हमारा लीवर का हिस्सा है, यानी कि नाभि से ये पूरा हिस्सा क्या है, लीवर का हिस्सा है, नाभि से पूरा हिस्सा जो है लीवर का हिस्सा है। ये हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा है, इसको हम फीमेल में जो बोलेंगे राइट ओबरी का हिस्सा बोलेंगे, फीमेल में राइट ओबरी है और मेल में राइट टेस्टिस है। इसी प्रकार अगर हम इधर आ जाएं तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है ना, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है, ये हमारा स्प्लीन है। अगर मैं रिब्स के साथ में इसकी बात करूं तो ये हमारा स्प्लीन का हिस्सा है, और स्प्लीन के नीचे कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है, ये जो मेरा ये वाला हिस्सा। अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये म्यूकस का हिस्सा है, ये म्यूकस का हिस्सा है। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है, और मैं मेल की बात करूं तो लेफ्ट टेस्टिस, और ये सिग्मोइड कोलन का हिस्सा है। तो आप ये देखेंगे मैंने हर पार्ट को किसी न किसी, ये सबसे पहले हमारा पैंक्रियास का हिस्सा आया, इसके बाद हमारा स्टमक का हिस्सा, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा आया, फिर उसके बाद हमारा यूट्रस का हिस्सा आया। इस तरीके से मैं समझाता हूँ, ये देखिए मैंने अंगूठा, जहाँ ये मैंने हाथ रखा है, अंगूठा रखा है, ये हमारा पैंक्रियास हो गया, ये हमारा स्टमक का हिस्सा हो गया, ये हमारा इंटेस्टाइन का हिस्सा हो गया, ये हमारा यूट्रस का हिस्सा हो गया, ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा हो गया, ये मेरा लीवर का हिस्सा हो गया, ये मेरा राइट ओवरी का हिस्सा हो गया। अगर मैं बात करूं इधर से तो ये मेरा स्प्लीन का हिस्सा है, ये मेरा कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है, ये मेरा म्यूकस का हिस्सा है, ये मेरा लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है,
लेफ्ट ओवरी कैसा है, ये हमारा WD का है। तो यानी कि हर पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया आपको, और ये हमारा पेट जो है अलग अलग पॉइंटों से हमारा पूरा का पूरा भर गया है। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ दर्द है, तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट समझ जाता है कि ये लीवर के हिस्से में दर्द हो रहा है, लीवर के हिस्से में दर्द हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ दर्द है, तो ये म्यूकस के हिस्से में दर्द है। अगर मैं कहता हूँ ये हिस्से में दर्द है, तो ये WD के हिस्से में दर्द है। ये अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ दर्द है, तो ये इंटेस्टाइन के हिस्से में दर्द है, ये मेरे स्टमक के हिस्से में दर्द है, ये मेरे पैंक्रियाज के हिस्से में दर्द है। तो इस तरीके से हम पूरे पेट को डायग्नोज करना सीख सकते हैं। पूरे पेट के हिस्सों को अलग अलग नाम दिया है, और इन हिस्सों के माध्यम से हम जो है न्यूरोथेरेपी का कोई ना कोई पॉइंट देते हैं, और उन पॉइंटों के माध्यम से हम उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर वहाँ का दर्द निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो उसको देखते रहिए, पसंद करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।